हाँ, उसके बाद ताली वाली बजाइएगा। एक मास्टर साहब ने स्कूल में बच्चों को पानीपत की लड़ाई पढ़ाई, हिस्ट्री के टीचर थे, और ऐसी पढ़ाई कि अगर बाबर और इब्राहिम लोदी, जिनके बीच में वो लड़ाई हुई थी, वो सुन लेते कि ये पानीपत की हमारी लड़ाई इस तरह किसी दिन पढ़ाई जाएगी, तो वो लड़ते नहीं, सुलह कर लेते। तो मास्टर साहब ने पढ़ाया, तो लल्लो आज हम तुमको पढ़ा पानीपत की लड़ाई। जाए को अंग्रेजी में पढ़ावत है, कह देते वाटरपत की लड़ाई, और जाए को हिंदी में पढ़ावत है तो कह देते जलपत की लड़ाई। तो जाए लंको लल्लू, जाए लंको लंकू, जा लंबे लंबे मैदान, जा लंबे लंबे मैदान, जाए लंको खड़ी उभरुई सेना, और जाए लंको खड़ी बबरुई सेना, और जाए लंको लल्लू भात भात के जवान, कोई 4 फुटा, कोई 5 फुटा, कोई 6 फुटा, कोई 7 फुटा, कोई 8 फुटा, और जाए लंको लल्लू भात भात की सवारी, काव गधे पे काव गधैया पे काव खच्चर पे काव खचरिया पे काव ऊंट पे काव उटैया पे काव बकरी पे काव बकरिया पे, और जाए लंको लल्लू भात भात के हथियार, काव के हाथ में बल्लम, काव के हाथ में बलमिया, काव के हाथ में डंडी, काव के हाथ में डंडिया, काव के हाथ में छुरी, काव के हाथ में छुरिया, और जाए लंको लल्लू होए न गई भिड़ंत, जाए का कान जाए के हाथ में, जाए का मुंह जाए के हाथ में, खूब हुई नोचा नाची काटा काटी, इबरुई सेना तो समुल्ली भाग निकली, और बबरुई सेना ने पीछे पकड़ लो, और इबरुई सेना के जवानन चढ़े लगे पेड़ पे, और जाए में बरस पड़ा म्यो सारा भरगो पानी, कचा पच कचा पच, और इबरुई सेना ने के जवानन ने लिए जा लंबे लंबे बल्लम, और शुरू कर दई छेदा छादी छेदा छादी, और इबरुई सेना के जवानन पेड़ में से गिरे लगे पानी में, पता पत पता पत, और ये हो गई पानीपत की लड़ाई।